नमस्कार। आज का चैप्टर है ई बुक रीडर। टेबलेट जैसा दिखाई देने वाला ई बुक रीडर एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है जिसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि उस पर ई बुक्स पढ़ना आसान हो जाए। ज़्यादातर ई बुक रीडर 6 इंच लंबे होते हैं जो एक आम पॉकेट बुक जैसा आकार में होता है। वजन में हल्का होने से इसे किसी भी मुद्रा में जैसे उठते बैठते लेटते कहीं भी पढ़ सकते हैं और पॉकेट बुक की तरह जेब में रखा जा सकता है। अमेजॉन, सोनी, बॉन्ड्स एंड नोबेल तथा कोबो इस बाज़ार की अहम कंपनियां हैं। सभी ने अपने गैजेट्स को प्रिंट बुक जैसा बनाने की पूरी कोशिश की है। स्क्रीन का रंग बिल्कुल पुस्तक जैसा और पन्ना पलटने तथा बुक मार्क करने जैसी सुविधाएं भी इसमें हैं। अब चार प्रमुख ई बुक रीडर निम्न हैं। सबसे पहला है अमेजॉन किंडल, दूसरा बॉन्ड्स एंड नोबेल का नुक, तीसरा सोनी रीडर, चौथा है कोबो ई रीडर। अब सबसे पहले अमेजॉन किंडल वर्तमान में सबसे लोकप्रिय ई बुक रीडर है। किंडल आपके वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट हो सकता है, 3G वर्जन के जरिए भी इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। इस कनेक्टिविटी के जरिए यह गैजेट अमेजन के ई बुक स्टोर से किसी भी समय ई बुक डाउनलोड कर सकता है। ई बुक को सहेजने के लिए 2 से 4 GB की फ्लैश मेमोरी, इंटरनल स्टोरेज मेमोरी मौजूद है। अब किंडल में खास क्या क्या है निम्न है। ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स है। मौजूदा वर्जन किंडल पेपरवेट, इसकी कीमत लगभग $119 है। दूसरा है किंडल पेपरवाइट 3G, ये करीब 9600 रुपये का है। तीसरा किंडल, ये 3700 रुपये का है लगभग। और चौथा है किंडल कीबोर्ड 3G, ये लगभग 7500 रुपये का है। पांचवा है किंडल फायर HD, ये लगभग 11 से 27 हज़ार के बीच में है। इंटरएक्टिविटी, पेपरवाइट टच स्क्रीन आधारित है जबकि सामान्य किंडल में सिर्फ नेविगेशन बटन है और किंडल कीबोर्ड पर पूरा QWERTY क्वार्टी कीबोर्ड मौजूद है। सपोर्टेड ईबुक फॉर्मेट KF AZW तथा MOBI। वेबसाइट है इसकी www.kindle.com। अब दूसरा ई बुक रीडर है बॉन्ड्स एंड नोबेल नुक। ई बुक रीडर गैजेट्स के मामले में यह किंडल को तगड़ी टक्कर दे रहा है। किंडल की लोकप्रियता से प्रभावित होकर पहला नुक 30 नवंबर 2009 को जारी किया गया जिसकी कीमत अमेजॉन किंडल से काफ़ी कम रखी गई, $259 3G के साथ और $149 3G के बिना इसकी कॉस्ट है। फीचर्स के मामले में यह किंडल जैसा ही है, नुक पर किंडल की तुलना में ज़्यादा 6 GB तक इंटरनल मेमोरी स्पेस मौजूद है। इसकी बैटरी लाइफ वाईफाई स्विच ऑफ होने पर 2 महीने तक है। इसमें कुछ खास निम्न है। ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड है। मौजूदा वर्जन निम्न है, नुक सिंपल टच $79 का है, नुक सिंपल टच विथ ग्लो लाइट लगभग $119, नुक HD टेबलेट 7 इंच लगभग $199 से शुरू होता है
और नुक HD टेबलेट 9 इंच का लगभग $399 से शुरू होता है। इंटरएक्टिविटी, सभी नुक मॉडल टच स्क्रीन है, सपोर्टेड ई फॉर्मेट है, EPUB, PDF। वेबसाइट www.barnesandnoble.com barnesandnoble.com है। ई बुक स्टोर www.barnesandnoble.com/c/ebook-store। तीसरा ई बुक रीडर है सोनी रीडर। यह 2004 में सोनी लाइब्रेरी के नाम से निकाला गया था। बाद में उसने PRS पोर्टेबल रीडर सिस्टम सीरीज के तहत सोनी रीडर गैजेट्स निकाला, जिसकी शुरुआत 2006 में हुई। सोनी के वर्तमान रीडर का नाम PRS-T2 है, जिसमें 2 GB तक इंटरनल स्टोरेज मेमोरी स्पेस मौजूद है, लेकिन SD कार्ड के जरिए 32 GB तक बढ़ाया जा सकता है। वाईफाई के जरिए इंटरनेट कनेक्टिविटी संभव है। सोनी रीडर की निम्न खूबियाँ हैं। PRS-T2 ये लगभग $129 से शुरू होता है। इंटरएक्टिविटी, टच स्क्रीन है, सपोर्टेड ई बुक फॉर्मेट EPUB, PDF। वेबसाइट https://ebookstore.sony.com। चौथा ई बुक रीडर है कोबो ई रीडर। कोबो ई रीडर को कनाडा की कोबो कंपनी ने अपना ई बुक रीडर पहली बार मई 2010 में जारी किया। इसे किंडल के सस्ते विकल्प के रूप में जारी किया था और शुरुआत में इसकी कीमत किंडल से $110 कम रखी गई थी। यह रीडर वाईफाई के साथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी से भी लैस है। स्टोरेज कैपेसिटी 1 GB है, लेकिन SD कार्ड की मदद से 32 GB तक बढ़ा सकते हैं। कोबो की निम्न काबिलियत है। कोबो मिनी $79.99, कोबो ग्लो $129.99, कोबो टच $99.99, कोबो आर्क टेबलेट $199.99। सपोर्टेड ई बुक फॉर्मेट है EPUB और PDF। वेबसाइट है इसकी www.kobobooks.com। धन्यवाद।